हर एक एक दिन बिहार की भारत है नीचे कर रहे हैं। बिहार की जनता के सेवा में हम लोग लगाए और बिहार को जो हम लोगों ने सत्ता देखा है आगे बढ़ाने का, उस काम में जो भी हमसे हो पाएगा वो हम पूरी जोर शोर से लगाने का काम करेंगे। चाचा ने बधाई दी कि नहीं आपको? हाँ चाचा ने बधाई दी कि नहीं? सबका बधाई है, इसमें कौन सा नीचे कर रहे हैं। आपका जन्मदिन है आज, आपके जन्मदिन पे ही आया। स्पष्ट कहा है जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का और जिसका सब लोगों को इंतजार था, हम लोग जो है कोर्ट का सम्मान करते हैं और मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, ये सारे अपने हैं। हम लोगों ने कभी भी पराया नहीं समझा और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं या हम तमाम नेता हैं, हम सब लोगों को विकास पे ध्यान देना चाहिए। अब बेहतरीन ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल कॉलेजेस कैसे बने, अस्पताल कैसे बने और नौजवानों को रोज़गार कैसे मिले, इस पे ध्यान लगाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, हालांकि काफ़ी हज़ारों पेज का जजमेंट है, लेकिन हम सब लोग पहले से ही ये था कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा सभी लोगों को मान्य होगा। सवाल ये नहीं होना चाहिए, सवाल अब होना चाहिए कि अब काम की बात होगी कि नहीं होगी। हम लोगों को, जनता को, नौजवानों को, जो सरकार जो चुन करके आई है, ये काम जो था न्यायालय का था, न्यायालय ने अपना काम किया। अब सभी राजनीतिक दलों को, राजनेताओं को अब जिम्मेदारी लेकर के अपने काम में लगना चाहिए। लोगों की यही आस है कि नौजवान जो इतने बड़े तादाद में जो बेरोजगार हैं, देश की आर्थिक मंदी से जो गुजर रहा है, उससे हम लोग कैसे निपटें, बेहतरीन अस्पताल कॉलेजेस कैसे बने। हालांकि मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा तो हर जगह है, लेकिन बेहतरीन अस्पताल कैसे बने, लोगों को अच्छी शिक्षा कैसे मिले, इस पे लोगों को ध्यान देना। कल हम गए थे उनसे विशेष परमिशन लेकर के जेल प्रशासन से, उनसे हमने आशीर्वाद लिया और आप लोग सब लोग जान रहे हैं झारखंड में चुनाव भी है, जो स्थिति थी वहाँ हमने उनके सामने स्पष्ट जो है रख दिया है। अब जो फैसला होगा, अब जो राष्ट्र अध्यक्ष का फैसला है, और आप लोग तो सब लोग जानते हैं कि सीट लड़ने से ज़्यादा, लड़ाने से ज़्यादा जीतना ज़रूरी है। हम लोग कोई भी दल हो, और राष्ट्रीय जनता दल का अगर इतिहास देखिएगा, हमारे नेता का इतिहास देखिएगा, तो कभी भी हम लोगों ने अपने विचारधारा से, सिद्धांत से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। यही बिहार की धरती है जहाँ हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया था महागठबंधन बना के, नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे, ज़्यादा सीट आते हुए भी हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया। आप देखिएगा, लोग कहते रहे जेडीयू वाले लोग कि आरजेडी को 81 सीट आ गई क्योंकि नीतीश जी का चेहरे का कमाल था। बाय इलेक्शन में कहाँ गया उनका चेहरा, अब तो ये साबित हो गया कि लालू जी के बदौलत ही नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। तो अब जो झारखंड की जो स्थिति है, हम लोग कभी भी अपने विचार से, सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकते। हमारे सामने जो चुनौती है, जो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो विकास के नाम पे वोट लेकर के विनाश का काम कर रहे हैं, जो गरीब का नहीं पूंजीपतियों का काम कर रहे हैं, उसको हमको रोकना है। और जिस प्रकार से हम लोगों ने महागठबंधन बिहार में बनाया था बिहार के हित के लिए, उसी प्रकार से जो भी हमारा निर्णय होगा वो झारखंड के हित के लिए माझी जी अभिभावक है। और देखिए, हर एक पार्टी का फैसला होता है, वो गठबंधन में थे, अभी नहीं है, जैसा उनका फैसला है, हमको इस पे ज़्यादा कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, क्योंकि हर एक पार्टी का अपना इंडिविजुअल फैसला होता है। अब कौन कहाँ क्या गया, लेकिन पलटी मारने में तो भाई नीतीश कुमार जी से ज्यादा कोई सर रालोसपा की कल बैठक में राजद का कोई नेता नहीं दिखा। बैठक था उसमें राजद का कोई
नेता जाते हैं। आज ये सब विषय नहीं है, कौन नहीं है, हम लोग तो सब लोग साथ में देखे ही थे। मीरा भैया ऐसा नहीं कि हम ऐसा सीट ले ले जहां हम अजय भारत परिवार की तरफ से आप सभी सम्मानित दर्शकों का आभार। आपके प्यार ने हमें बनाया लोकप्रिय न्यूज चैनल और लोकप्रिय डिजिटल न्यूज नेटवर्क। टीवी के माध्यम से लगभग 1 करोड़ घरों तक पहुंचा अजय भारत। सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर मिला 10 करोड़ लोगों का प्यार। अब नए तेवर और नए कलेवर के साथ आ रहा है अजय भारत। तो फिर देर किस बात की, तो कॉल या व्हाट्सएप करें हमारे नंबर 7488051099।